नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, नागपुर का चर्चित मॉल जिसे वीआर मॉल कहा जाता है, जो काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन सवाल यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों पे है, सिक्योरिटी पे है। वीआर मॉल अपने आए हुए कस्टमर को कितना सुरक्षित रख पाती है? देर रात दो गुटों के बीच हमले होते रहे और मॉल की सुरक्षा एजेंसी हाथों पर हाथ रखे, तमाशबीन बने रहे और तमाशा देखते रहे। सीसीटीवी फुटेज के साथ हम आपको सारी सच्चाई दिखाते हैं, आप देखते रहे एनबीसी न्यूज। दोस्तों, जिस जगह पे हम उपस्थित है, इमामबाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये मॉल है, इसका नाम है वीआर मॉल। इसे लोग ट्रिलियम मॉल के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में ये सबसे चर्चित ये मॉल है, लेकिन सवाल ये होता है, उठता है, उत्पन्न होता है कि जो जिस मॉल में आप अपने बच्चों को, बीवी को, परिवार को ये भेजते हैं घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए, पार्टी के लिए, अलग अलग कारणों से, क्या आपके परिवार, आपके बच्चे, आपकी बीवी यहाँ सुरक्षित है और कितने सुरक्षित है, एक बड़ा सवाल उठता है। जी हाँ, मामला 25 दिसंबर की है, जब पूरा शहर क्रिसमस की खुशी में खुशियाँ मना रहा था, पार्टियाँ कर रहा था, और उस दिन सरकार की तरफ से 5 बजे सुबह तक बार और पब खोलने की इजाज़त दी गई थी, जो कि अभी 31 दिसंबर की रात में भी वही इजाज़त दी गई है। रात को लगभग 2 बजे के आसपास एक पब है इसी मॉल में, जिसका नाम है एजेंट जैक्स। एजेंट जैक्स सूत्र बताते हैं कि पब से शहर के जो चर्चित एक चेहरा है, जिसे मुन्ना यादव बोलते हैं, जो बीजेपी के एक लीडर माने जाते हैं, उनके लड़के अर्जुन यादव और उनके दोस्त एक गुट, और दूसरे गुट की अगर हम बात करें तो प्रदीप उके और उनके कुछ दोस्त और महिला मित्र भी साथ में थी। सूत्र बताते हैं कि वो दोनों गुट अंदर में बैठ के पार्टियां कर रहे थे और रात को लगभग 2:30 बजे के आसपास में इसी मॉल के जो इस जो आप देख रहे हैं, यहाँ से एग्जिट है, इसी एग्जिट पॉइंट से बाहर निकलते हैं। सीसीटीवी हमारे पास उपस्थित है, जो है वो सच्चाई हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे झगड़ा करते हैं, और ये झगड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये आखिर मामला पुलिस स्टेशन तक पहुँचता है। लेकिन सवाल ये है कि इस झगड़े को पुलिस स्टेशन तक लेके जाने के लिए वीआर मॉल के जो सिक्योरिटी एजेंसी है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। वो जब ये मामला बढ़ता है, मेडिकल चौक की तरफ जाता है, तो मेडिकल में जब एक व्यक्ति गंभीर हो जाता है तो मेडिकल की तरफ से पुलिस को फ़ोन किया जाता है, सूचित किया जाता है, जो भी रूल है उसके गाइडलाइन के तहत। लेकिन सवाल ये है कि क्यों वीआर मॉल के सिक्योरिटी एजेंसी, जो वीडियो में साफ साफ दिख रहे हैं, हाथ बांध के खड़े हैं और तमाशा देख रहे हैं, तो क्या सिक्योरिटी खूनी खेल का तमाशा देख रहे थे? वो चाह रहे थे किसी का मर्डर हो जाए? तो फिर सवाल ये उठता है कि वीआर मॉल में आने वाले लोग, या 31 को अगर आप आने वाले, जहाँ पर शराब शबाब, दारू पार्टी और चारों चीज़ें जो बड़े तेज़ी से चलती हैं, वीआर मॉल जो एक चर्चित है, यहाँ पर लोग कितने सुरक्षित हैं? आपके बच्चे अगर आते हैं, परिवार आते हैं, तो फिर आप कितने सुरक्षित हैं? तो क्या यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी और वीआर मॉल की तरफ से जो चीज़ें गाइडलाइंस दी गई है, उसमें सब हाथ बांध के खड़े रहते हैं? अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। फिलहाल हम इस संबंधित जो जानकारी है, अगले एपिसोड में हम आप तक लेकर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं वीर सिंह, नागपुर, एनबीसी न्यूज़।